तो दोस्तों आईपीएल 2024 में आज हम एक ब्लॉकबस्टर मुकाबला में मुंबई इंडियंस बनाम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के बीच ये ब्लॉकबस्टर मुकाबला खेला गया था। इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत के बाद आईपीएल 2024 के पॉइंट टेबल में काफी बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। तो आज के इस वीडियो में आईपीएल 2024 का नया पॉइंट टेबल हम आपको बताने वाले, कौन सी टीम कौन से पोजीशन पर है और कौन सी टीम के पास कितना चांस है प्लेऑफ में जाने के लिए और कौन कौन सी टीम प्लेऑफ के रेस से पूरी तरह से बाहर हो गई। इस वीडियो में आपको ये सभी जानकारी देने वाले, तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहे। तो आप भी आईपीएल के एक बड़े वाले फैन तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रखें, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। तो बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करें। वही आप आईपीएल 2024 से जुड़ी अपडेट सबसे पहले पाना चाहते तो आप हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है, तो टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करें। तो फ्रेंड वीडियो बढ़ते आगे, आईपीएल 2024 के नए पॉइंट टेबल के मुताबिक पॉइंट टेबल पे जो आखिरी पोजीशन पर है ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से दिल्ली कैपिटल को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली और 4 मुकाबले में दिल्ली कैपिटल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रेड हमें -1.370 का देखने को मिल रहा है। वह दिल्ली कैपिटल को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 7 मुकाबला जीतना जरूरी। वह दिल्ली कैपिटल का अगला मुकाबला में 12 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेल तो बना जाएगी। वही पॉइंट सेल पे जो 9वें पोजीशन पर है, आज का मुकाबला हारने वाली टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को सिर्फ 1 मुकाबले में जीत मिली और 5 मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 2 पॉइंट है, उनका नेट रेड में माइनस में काफी खराब देखने को मिल रहा है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 7 मुकाबला जीतना जरूरी, तब जाके रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का अगला मुकाबला में 15 अप्रैल को सनाइट हैदराबाद के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 8वें पोजीशन पर है, वह शिखर धवन की कप्तानी वाली पंजाब किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से पंजाब किंग को 2 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में पंजाब किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रेड हमें -0.169 का देखने को मिला है। वही पंजाब किंग को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही पंजाब किंग का अगला मुकाबला में 13 अप्रैल को राजस्थान रॉयल के खिलाफ खेल तो बना जाएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 7वें पोजीशन पर है, आज का मुकाबला जीतने वाली टीम मुंबई इंडियन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से मुंबई इंडियन को 2 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में मुंबई इंडियन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 4 पॉइंट है, उनका नेट रेड में प्लस में काफी शानदार देखने को मिला है। वही मुंबई इंडियन को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 6 मुकाबला जीतना जरूरी। वही मुंबई इंडियन का अगला मुकाबला में 14 अप्रैल को चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ खेल तो बना जाएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 6वें पोजीशन पर है, वह सुमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटन ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 6 मुकाबले खेले गए, जिनमें से गुजरात टाइटन को 3 मुकाबले में जीत मिली और 3 मुकाबले में गुजरात टाइटन को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट टेबल उनके पास 6 पॉइंट है, उनका नेट रेड में -0.637 का देखने को मिल रहा है। गुजरात टाइटन को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 8 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। गुजरात टाइटन का अगला मुकाबला में 17 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो 5वें पोजीशन पर है, वह पैट कमिंस की कप्तानी वाली
सनराइजर हैदराबाद। सनराइजर हैदराबाद ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से हैदराबाद को 3 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एडा में +0.344 का देखने को मिला है। वे सनराइजर हैदराबाद को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वे सनराइजर हैदराबाद का अगला मुकाबला में 15 अप्रैल को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो चौथे पोजीशन पर है, वह ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग। चेन्नई सुपर किंग ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से चेन्नई सुपर किंग को 3 मुकाबले में जीत मिली और 2 मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एडा में +0.66 का देखने को मिल रहा है। वे चेन्नई सुपर किंग को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वे चेन्नई सुपर किंग का अगला मुकाबला में 14 अप्रैल को मुंबई इंडियन के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो तीसरे पोजीशन पर है, वह केएल राहुल की कप्तानी वाली लखनऊ सुपर जायंट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से लखनऊ सुपर जायंट को 3 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में लखनऊ सुपर जायंट को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एडेड में +0.775 का देखने को मिल रहा है। वे लखनऊ सुपर जायंट को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही लखनऊ सुपर जायंट का अगला मुकाबला में 12 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो दूसरे पोजीशन पर है, वह श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 4 मुकाबले खेले गए, जिनमें से कोलकाता नाइट अय्यर को 3 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में कोलकाता नाइट अय्यर को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 6 पॉइंट है। उनका नेट एडर में +1.528 का देखने को मिला है। वही कोलकाता नाइट अय्यर को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 10 मुकाबले में से सिर्फ 5 मुकाबला जीतना जरूरी। वही कोलकाता नाइट अय्यर का अगला मुकाबला में 14 अप्रैल को लखनऊ सुपर जायंट के खिलाफ खेलते हुए नजर आएंगे। वही पॉइंट सेल पे जो पहले पोजीशन पर है, वही संजू सैमसन की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल ने आईपीएल 2024 के सीजन में टोटल 5 मुकाबले खेले गए, जिनमें से राजस्थान रॉयल को 4 मुकाबले में जीत मिली और 1 मुकाबले में राजस्थान रॉयल को हार का सामना करना पड़ा है। पॉइंट्स टेबल उनके पास 8 पॉइंट है। उनका नेट एडा में +0.871 का देखने को मिल रहा है। तो राजस्थान रॉयल को प्लेऑफ में जगह पक्की करने के लिए अपना बचा हुआ 9 मुकाबले में से सिर्फ 4 मुकाबला जीतना जरूरी। राजस्थान रॉयल का अगला मुकाबला में 13 अप्रैल को पंजाब किंग के खिलाफ खेलते हुए नजर आएगी। ये थी आईपीएल 2024 का आज का नया पॉइंट टेबल। आपको क्या लगता है, आईपीएल 2024 के सीजन में क्या रॉयल चैलेंजर बेंगलोर प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर सकती है कि नहीं, तो आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और आपको ये वीडियो थोड़ी भी पसंद है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे आपको हमारा वीडियो सबसे पहले मिलती रहे।